गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3, द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग फूड सेफ। लेट्स कम ऑन द पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 से हमें स्टार्ट करना था, तो हम स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करना था? अदर फैक्टर्स ऑफ कीपिंग फूड सेफ। और भी कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं खाने को सेफ रखने के, उसके बारे में अब हम ये पॉइंट्स कुछ पढ़ेंगे। टू कीप द फूड सेफ, इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैंडल द फूड प्रॉपरली। खाना जो होता है उसको सेफ रखने के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें फूड को प्रॉपर हैंडल करना चाहिए। द अदर फैक्टर्स नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ फूड आर एज अंडर। जो अदर फैक्टर जो जरूरी होते, नेसेसरी यानी कि जरूरी, टेक केयर के लिए कौन कौन से हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस एंड किचन। क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना, साफ सफाई करना। ऑफ द हाउस एंड किचन, किसकी सफाई? हाउस और किचन की। अवर होम स्पेशली द किचन मस्ट बी केप्ट क्लीन। हमारे घर को और खास तौर पे, स्पेशली यानी खास तौर से किचन को हमेशा हमें क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए। इट यूजुअली बिकम ऑयली इन एंड अराउंड द गैस और द स्टोव, सो इट शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली। तो ये क्या होता है, किचन में हम खाना पकाते हैं तो बहुत बार किचन क्या होता है, ऑयली हो जाता है, अक्सर हो ही जाता है जब स्टीम निकलती है ऑयल वगैरह की, मसाले की। तो हमें रेगुलर ही किचन को क्लीन करना चाहिए। द हाउस एंड द किचन शुड बी डस्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और घर को और किचन को टाइम टू टाइम हमें डस्टिंग करना चाहिए। कंट्रोलिंग कॉकरोच रैट एक्सेट्रा। घर में क्या होता है, कॉकरोच आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं, तो इनको भी कैसे कंट्रोल करना चाहिए। कॉकरोचेस एंड स्मॉल इंसेक्ट्स एंड रैट्स आर द न्यूसेंस। जो कॉकरोच और रैट्स होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, और जो रैट होता है वो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है हमारे लिए, जब हमारे घर में आ जाता है बहुत आफत बन जाता, परेशान करता है। दे स्प्रेड डिजीजेस। डिजीजेस यानी कि बीमारी, स्प्रेड यानी कि फैलाना, वो क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। सो स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल देम। इसलिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए उनको कंट्रोल करने के लिए। नाउ कम टू द पेज नंबर 20। पॉइंट नंबर 3, डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। हमें जो गार्बेज को डिस्पोज करना होता है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में हम कचरा तो नहीं रख सकते, तो कहीं ना कहीं उसे फेंकना ही होगा, या कहीं पर किसी को जो हमारे गली में आते हैं काम करने के लिए और कचरा उठा करके ले जाते हैं, उनको हम दे सकते हैं, वो सही जगह पर ले जा करके डाल करके आते हैं। तो देख लेते हैं, वेट गार्बेज मीन्स वेस्ट फूड मटेरियल्स। वेट यानी कि गीला, जो गीला कचरा होता है, इसका क्या मतलब होता है, जो गीला हमारा फूड मटेरियल होता है या सब्जियों के छिलके होते हैं वो गीले ही होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या मतलब है वेट गार्बेज का, जो वेस्ट फूड मटेरियल है उसको ही बोलेंगे। इफ द गार्बेज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट इज रैपिड। अगर हम वेजिटेबल या फ्रूट के रिमेन यानी बचे हुए उनके जो छिलके होते हैं उनको लंबे टाइम तक रखें, तो उसमें क्या होते हैं, रैपिड यानी कि लगातार इंसेक्ट लगातार उसमें ग्रो करते रहते हैं, पैदा हो जाते हैं। दिस अफेक्ट्स द सेफ्टी ऑफ फूड, और ये हमारे फूड की सेफ्टी पर असर डालते हैं, अफेक्ट यानी कि असर डालते हैं। दस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गार्बेज ऑफ द हाउस स्पेशली द वेट गार्बेज इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हमारे घर का गार्बेज है और खास तौर पे जो गीला गार्बेज और कचरा होता है वो डेली के डेली डिस्पोज कर देना चाहिए। तो यहाँ चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। कुछ एक्सरसाइजेस हैं उनको हम देख लेते हैं।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, शॉर्ट में आंसर करना है. नेम द थ्री क्वेश्चंस ऑफ फूड पॉल्यूशन, थ्री कॉजेस, सॉरी कॉजेस ऑफ फूड पॉल्यूशन, कॉजेस यानी कारण. तो तीन कारण हमें बताने हैं जिसकी वजह से फूड पॉल्यूशन होता है. तो हमने ये 1, 2, 3 पॉइंट तैयार किए हैं. फर्स्ट पॉइंट इज इफ फ्लाइज सिट ऑन द फूड, अगर फ्लाइज फूड के ऊपर बैठ जाती है तो हमारा जो खाना है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा. इफ द फूड हैज बिकम स्टेल, अगर खराब खाना है तो हम खाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं. इफ द फूड इज हैंडल विद डर्टी हैंड, अगर खाना हमने गंदे हाथों से छुआ तो भी फूड हमारा पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो हमें ध्यान रखना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन इज विच फूड आइटम नीड टू बी शिफ्टेड, कौन से फूड आइटम को शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है. शिफ्टिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था चैप्टर में तो समझ में आ गया होगा. सीरियल्स एंड पल्सेस लाइक राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, ग्रीन पीस, मूंग आर नीड टू बी शिफ्टेड. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी ड्राई सीरियल्स, पल्सेस एंड दाल इन द सन, जो सीरियल्स और दाल्स वगैरह हैं उनको हमें सनलाइट में क्यों सुखा लेना चाहिए. तो आंसर क्या होगा, दाल्स एंड सीरियल्स शुड बी एक्सपोज टू द सन एंड ड्राई सो दैट दे डू नॉट गेट फंगस, क्यों सुखाना चाहिए, ताकि उनमें फंगस ना लग सके, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है तो उसको हम सनलाइट दिखा करके सुखा लेंगे और फिर स्टोर करेंगे तो फंगस नहीं लगेगा. फोर्थ नंबर इज व्हाई शुड वी कवर द फूड, हमें फूड को कवर क्यों करना चाहिए. तो आंसर इज वी शुड कवर द फूड सो दैट डस्ट एंड फ्लाइज डू नॉट सेटल ओवर इट, इसलिए हमें उसको कवर करना चाहिए खाने को, क्योंकि उसके ऊपर जो फ्लाइज है, मक्खी है या फिर डस्ट उसके ऊपर ना जम जाए या बैठ जाए मक्खी. वाई शुड वी डिस्पोज ऑफ वेट गार्बेज डेली, हमें जो वेट गीला कचरा है उसको क्यों डेली हमें डिस्पोज करना चाहिए. वी शुड डिस्पोज ऑफ वेट गार्बेज डेली टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स, ताकि हमारे घर में गीला कचरा हम इसलिए डेली हमें डिस्पोज करना चाहिए ताकि इंसेक्ट्स की ग्रोथ ना होने पाए. तो अभी क्या है आंसर, ओरली आपको ओरल जवाब देना है. द क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी नो द सीरियल्स, सीरियल्स को की विनोइंग क्यों करनी चाहिए. तो आंसर इसका क्या होगा, वी शुड वी नो द सीरियल्स टू सेपरेट मटेरियल लाइक ग्रास, स्टिक्स एंड हस्क फ्रॉम इट. इसे हमें क्यों विनोइंग करना चाहिए, ताकि इसमें से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे घास होता है, स्टिक होते हैं, हस्क यानी कि भूसा होता है, इन चीजों को हम इसमें से निकाल करके अलग कर सकें. तो इसको ओरल ही आंसर देना है, लिखना नहीं है. द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ शुड वी कीप द कुक्ड फूड ड्यूरिंग द समर सीजन, हाउ शुड कीप द कुक्ड फूड ड्यूरिंग द समर सीजन, ये हमने पढ़ा था. तो समर सीजन में हमें खाना जो पका हुआ होता है उसको कैसे रखना चाहिए, तो इसको हम कैसे आंसर कर सकते हैं. ड्यूरिंग द समर सीजन कुक्ड फूड शुड बी केप्ट इन कोल्ड वाटर इन अ लार्ज वेसल, बड़े बर्तन में पानी भर करके, ठंडा पानी डाल करके उसमें अगर हम खाना रख देते हैं तो वो सेफ रहेगा. द थर्ड क्वेश्चन इज Why should we wash the vegetable and fruits before using them? हमें खाना खाने से बनाने से पहले क्यों फ्रूट और वेजिटेबल को वॉश कर लेना चाहिए यूज करने से पहले. तो इसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं, We should wash the vegetable and fruits before using them so that the dust, small insects etc. get washed away. क्यों हमें वॉश कर लेना चाहिए, ताकि इसमें से जो डस्ट होता है और स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो सब धुल करके साफ हो जाएं. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर लेकर के मिलेंगे. तब तक के लिए ओके, बाय बाय.